पहले मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आपका स्वागत है यहाँ पर। जो मासिक पत्रकार वार्ता होती है, इसका उद्देश्य यही है कि पत्रकारों और जनता के बीच में जो इश्यूज आ रहे हैं प्रशासन की तरफ से उनको लिए गए, सरकार की तरफ से जो पहल की जा रही है उनको बताएं। तो इसमें जैसे आपने बताया कि क्या इसमें कार्य किए जा रहे हैं, तो सबसे पहले बताऊँगा कि हमारे पास जब सरकार की तरफ से 3-4 नए पहलू आए। एक तो आपने देखा होगा कि बहुत समय से ड्यूअल डेस्क की एक भारी कमी महसूस हो रही थी, तो सरकार ने जितने भी प्राइमरी हैं, सीनियर सेकेंडरी हैं, उन सब के अंदर ये डायरेक्शन दी थी कि नू ब्लॉक और ताबू ब्लॉक को सबसे पहले इनमें ड्यूअल डेस्क प्रोवाइड की जाए, तो वो हमने करवा दिए। और उसमें उनके पास आज भी दे उनका पेमेंट भी हो रहा है साथ के साथ। अब हमारा ये टारगेट है कि आने वाले नेक्स्ट 3 महीने के अंदर सभी ब्लॉकों के अंदर जितने भी ड्यूअल डेस्क हैं वो सारी प्रोवाइड की जाए। तो ये तो होगी आधारभूत संरचना, उसमें जो PRT से ऊपर है, PGP या TGP उनके जो है भर्ती करी जा रहे हैं। साथ ही साथ विवाद काडर के बहुत सारी पोस्टों का फाइनलाइज हो गया है और उनका बहुत ही जल्द अपॉइंटमेंट होने वाला है। चौथी बात कि भाई इसमें हम कैसे इनमें एफिशिएंसी लाएंगे, तो इसके लिए हमने एक पायलट प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसके अंतर्गत सभी स्कूलों का अंदर जो बच्चे होंगे उनको हम किस क्लास में कितने बच्चे, कितनी अटेंडेंस आ रहे हैं, कितने टीचर आ रहे हैं, एक तो CCTV कैमरा और एक ERP सॉल्यूशन, वो हम एक ERP सॉल्यूशन का मतलब है हर बच्चे के बारे में जानकारी लेना कि कौन कब आया, कितना आया, उनकी अटेंडेंस बारे में, तो वो सारे जिले के अंदर हम करेंगे। इसके लिए नीति आयोग की तरफ से हमने प्रपोजल बना के भेज भी दिया है, लगभग हमारे 10 करोड़ का हमने ये प्रपोजल बना के भेजा है, तो नीति आयोग से हम आशा करते हैं जल्दी अप्रूव हो जाएगा इसको कि हम लागू करेंगे। इससे ना सिर्फ टीचरों की बल्कि स्टूडेंट्स की भी जो अटेंडेंस है वो मॉनिटर की जाएगी, बकायदा चेक किया जाएगा और उनकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में पूरा ट्रैक किया जाएगा। जो मुआवजा राशि आई थी 32 करोड़ रुपये से, उसमें से लगभग 8 करोड़ की राशि का वितरण हो चुका है। इसमें एक टेक्निकल इशू ये था कि पिछली बार जब गिरदावरी हुई थी तो गिरदावरी को जमाबंदी में नहीं बनी थी, उसकी एंट्री नहीं हुई थी, तो अब हमने उसकी मैनुअल परमिशन के लिए सरकार को भेजा है। मैं सोच रहा हूँ जल्दी से जल्दी उसकी मैनुअल परमिशन आ जाएगी और उसके आधार पर फिर हम उनकी मैनुअल एंट्री के हिसाब से हम उनकी अप्रूवल दे देंगे। सरकार ने स्वायत्त शासी जितनी भी नगर पालिकाएँ हैं वो अपने आप में सक्षम हैं और मैं समझता हूँ कि उनके द्वारा लगातार काम करने के सरकार की तरफ से निर्देश हैं कि ज़्यादा शहरों को सफाई की जाए। हाल ही में 2-3 बार मुहिम भी चालू की गई थी, हमने इस ओर जो उनके अधिकारी हैं उनको इस बारे में आपकी जो संवेदना है वो व्यक्त करवाई। साथ ही साथ मेरे को बताया गया कि लगभग 15 एक टेंडर जो है इन प्रोसेस हैं जो कि ऑलरेडी होंगे। मैं आशा करता हूँ आने वाले समय के अंदर नेक्स्ट 1 महीने के अंदर वो आपको धरातल पर दिखेंगे। सर आगे की मेवाद के लिए होगी कि हमारे बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं अटके हुए पड़े हैं, सबसे पहले तो उनको कंप्लीट कराने की जरूरत है। साथ ही साथ आने वाले 1 महीने के अंदर शहरों के अंदर साफ सफाई व्यवस्था, उसकी सौंदर्यता, साथ ही साथ धरातल पे जो काम होने हैं शहरों के अंदर सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी ताकि उनको सही किया जा सके। दूसरी बात बताऊँगा, ये मेरे संज्ञान में पिछली बार लाया गया था लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने ये पूरा चेक करवाया है और अभी बीच में हमारे क्योंकि टेंडर्स कम हो गए थे लेकिन अब सारी PHCs पे आपको दवाएं मिलेंगी। किसी PHC पे यदि आपको कोई ऐसी दवाएं नहीं मिलती हैं तो वो आप मेरे संज्ञान में लाइए, लेकिन ये सभी अभी आप, ये तो शायद हो सकता है 1 महीने पहले की बात हो लेकिन अभी आप जाके देखिए सभी दवाइयों पे वेयर हाउस में दवाइयाँ मिल रही हैं। अंतर्गत बहुत सारे स्टेडियम ऐसे हैं जिनकी हालत बहुत बुरी है और यूथ वहाँ पर आना चाहता है लेकिन हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं या उनका नहीं है, इसको ध्यान में रखते हुए हमने उसमें 1 करोड़ रुपए की राशि जो है उसको रखी गई है ताकि उसमें एक तो रेनोवेशन हो सके, साथ में जो आधारभूत सुविधाएं हैं वो हम दे सकें। तो ये उसको हम डिटेल एस्टिमेट बना के उतने हिसाब से जो जो काम वहाँ पर करवाने वो करें, तो आने वाले हफ्ते के अंदर उसके एस्टिमेट्स वगैरह प्रिपरेशन और उनकी जो राशि के साथ जो सामान लेना है वो भी हो जाएगा।
सर स्टेडियमों में जो है प्रस्ताव हम नीति आयोग को बना के भेज रहे हैं, जिसके अंतर्गत या तो CSR के द्वारा या नीति आयोग का जो हमारे को कोई पैसा मिलता है तो उसके अंतर्गत हम कुछ इस तरह की जो एक सुविधाएं हैं जिसमें कोचेज की व्यवस्था करना, ये सब हमारे द्वारा कर दी जाए। नीति लगभग 650 के करीब वो रुकी हुई थी, तो उसमें भी जल्द ही आपको इस हफ्ते के अंदर उसकी भी खुशखबरी जरूर मिल जाएगी। दूसरा, उनको सुदृढ़ करने के लिए और उनके अंदर जो विकास कार्य को गति देने के लिए समय समय पर डायरेक्शंस जारी होती हैं। इसी के अंतर्गत सरकार ने 5 लाख रुपए तक की ई टेंडरिंग की एक लिमिट लगा रखी थी कि 5 लाख से नीचे जितने भी हैं उनके आप और उसके ऊपर 25 लाख की कैप लगा रखी थी। अब वो कैप हटा दी गई है। अब उसमें सरकार ने ये आशय पत्र जारी किया है कि जितने भी आपका फंड है उसका 50% आप एक साल के अंदर आप इसके द्वारा 5-5 लाख रुपए से नीचे का करते हुए उसमें आप खर्च कर सकते हो। उसके ऊपर लिमिट कैप हटा दी गई है, लेकिन इसमें जो FD है उसको यूज़ नहीं कर सकते, उसका केवल इंटरेस्ट ही आप यूज़ कर सकते हैं, ये उनमें क्लेरिफाई किया गया। इसमें CFC का फंड और पंचायत का कोई ओन सोर्स से कोई इनकम है उसको आप यूज कर सकते हैं। IOCL के वैसे CSR का एक जो दिव्यांगों को सहायता मिलती है उसका एक जनवरी में प्रोग्राम होना था, लेकिन हम चाह रहे थे कि उसमें पूरे ज़िले का एक साथ प्रोग्राम हो, सभी दिव्यांगों की जो बात है वो एक पटल पे रखी जाए और उनके जो तो इसमें हम एक बड़ा प्रोग्राम करना चाह रहे हैं। कोशिश यह रहेगी कि फरवरी के फर्स्ट वीक के अंदर थोड़ी सर्दी कम हो जाए, हम उसके में एक बड़ा प्रोग्राम करेंगे और जितने भी उपकरण हैं सभी ज़िलों के दिव्यांगों को उस दिन दिया जाए। तो किस किस के बाकी जो भी IOCL जो देती है वो सारे उपकरण वहाँ पर दिए जाएंगे। 500 दिव्यांगों का एक बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं IOCL की तरफ से। कोशिश रहेगी कि हम CM साहब को उस समय बुलाएं, ठीक है ना, कोशिश ये रहेगी, वरना तो वो जनवरी में कर देते, लेकिन मेरी कोशिश है कि जब CM साहब को बुलाए ताकि आप लोगों की बात भी थोड़ा सा एक मैसेज जाएगा, ठीक है, तो वो हम चाह रहे हैं कि उसमें CM साहब का, मैंने आज समय भी लिया है CM साहब को, तो मिलते ये बात भी करना, एक मैसेज अच्छा जाएगा। यहाँ पर शिक्षा वाहिनी का एक प्रयोग किया गया जो कि काफ़ी सक्सेसफुल हुआ और सरकार ने भी चाहा कि जितने भी अगर ड्रॉप आउट अगर रोकना है तो हमें बच्चों को स्कूल लाना होगा, और स्कूल लाने के लिए अब सरकार ने ये व्यवस्था की है कि जो भी पेरेंट्स अपने जो बच्चे हैं स्कूल अगर दूर से आते हैं तो उनके लिए अगर रिक्शा या फिर कोई भी वाहन प्राइवेट हायर करते हैं तो उसकी जो पूरा भरपाई है सरकार के द्वारा की जाएगी पर किलोमीटर के बेसिस पे उसके ऊपर है। इसमें उनकी तरफ से एक आशय पत्र भी, इस डायरेक्शंस भी सारे जारी हुए हैं और उन डायरेक्शंस को हम इंप्लीमेंट करवाने के लिए एक मुहिम के तौर पे हम इसको टेकअप कर रहे हैं। इसमें कोई टाइम दी जाएगी और उसमें SMCs को उसमें पाबंद किया है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मैं इसकी ओर ध्यान देना चाहूँ कि सरकार ने CM अनाउंसमेंट कर दी जिसमें कि जो हसन खान मेवाती कॉलेज है इसके अंतर्गत इसमें 3 नए संस्थान, फार्मेसी कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, फिजियोथेरेपी कॉलेज, ये यहाँ पर लाए जाएंगे और इसके अंतर्गत इसका जो 20 एकड़ का में अंदर ये बसाए जाएंगे लगभग, और इसके लिए ऑलरेडी कार्य योजना चली हुई है, टेंडरिंग के प्रस्ताव चल रहे हैं, साथ ही साथ जो इसमें एरिया एक्सपेंशन की बात है वो भी चल रही है। एक सर रोड, पहले जो हमारा दिल्ली अलवर रोड है उसमें 2 बाईपास बनने का है जो कि मालव से आगे भी जाएगा और आगे भादस के वहाँ पर भी निकलेगा, तो इनके अंतर्गत ऑलरेडी इसमें जो प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन है वो हो चुका है, इसका DPR बनके गवर्नमेंट इंडिया के पास जा चुका है और इसका जल्द ही इसकी अप्रूवल होने के बाद इस पर काम चालू हो जाएगा। रही बात इसकी 4 लेनिंग का काम है, वो इसके साथ साथ ऑलरेडी उसका DPR बनके अप्रूव हो चुका है, वो भी चालू हो गया है। इसके साथ साथ हमारे पास कुछ रोड्स हमारे पास ऐसे थी जिसकी निरंतरता बहुत बुरी हालत में थी, उसका संज्ञान लेते हुए माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब ने पिछले महीने मीटिंग भी की थी और इसी महीने मीटिंग की थी और उसमें डायरेक्शंस भी जारी किए थे कि जितने भी आपका है वो टेकअप किया जाए। इसके अंतर्गत हमारी कुछ रोडें हैं जो कि आने वाले एनुअल एक्शन प्लान, हर बजट के अंदर एक एक्शन प्लान बनता है कि किस ज़िले को कितना पैसा दिया जाएगा, उस एक्शन प्लान के हिसाब से उसके अंदर सबसे पहले टेकअप की जाएगी।